नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महंगाई की बाढ़ से आम आदमी परेशान हो गया है। अदरक 400, टमाटर और लहसुन 200 रुपए के पार हो गए हैं। बरसात के शुरू होते ही वेजिटेबल के दामों में आग लग गई है। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए सब्जियां महंगी हो गई और आम आदमी परेशान हो रहा है। महंगाई की मार से आम आदमी को परेशानी हो रही है। अदरक 400 रुपए के पार पहुंच गया है, तो वहीं अगर हम टमाटर और लहसुन की बात करें तो 200 के पार पहुंच गए हैं। बरसात के शुरू होते ही वेजिटेबल के दामों में आग लग गई है। टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए एक बार फिर से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और टमाटर के जिस तरीके से दाम बढ़े थे आम आदमी को परेशानी हुई। और वहां पर देखिए अब अदरक के भी दाम बढ़ने लग गए हैं, लहसुन के भी दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में टमाटर 120 से 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक हफ्ता पहले टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो थी। जमीन के करीब होने वाली सब्जियां जल भराव के कारण खराब हो रही है। धनिया 400 रुपए तो अदरक 250 रुपए किलो हो गया है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अगर ये स्थिति रही तब आगे टमाटर 200 रुपए किलो भी बिक सकता है। 160 रुपए बहुत महंगा है, पब्लिक खा नहीं पा रही है। 40 रुपए पाओ, वजह क्या, सब टमाटर सड़ गया है खेतों में। अब इसके वजह बारिश की वजह से सब टमाटर किसानों का सड़ गया है। अब बेंगलोर टमाटर जो आ रहा है 2800 रुपए, 2900 रुपए किलो टमाटर आ रहा है। इसी के मारे हम लोग को मजबूरन बेचना पड़ रहा है। 160 रुपए आगे और बढ़ सकता है, 200 रुपए तक की पोजीशन दिया है व्यापारियों ने। ये सबसे ज्यादा महंगी गोभी है इस समय, गोभी 80 रुपए 100 रुपए बिक रही है पर पीस। परवल 50 रुपए, बंदा 20 रुपए, 30 रुपए का महंगाई जो है ये पानी खा डाला उसने। पानी की वजह से सब्जी नहीं आ रही, इसी वजह से महंगाई हो गई। आज का टमाटर आज का रेट 120, कल का 140 था, आज का रेट है 120 थोक में, 120 रुपए किलो। फुटकर वही 40 रुपए पाव बिकेगा, थोक का 120 रुपए किलो है, 600 रुपए पसेरी। बरसात के दौरान हरी सब्जियां और महंगी हो सकती हैं, प्याज के दाम भी आगे बढ़ सकते हैं। स्थानीय खेतों से सब्जियां नहीं आ पाने के कारण टमाटर बेंगलुरु से आ रहा है। थोक भाव में इसकी कीमत 75 से 80 रुपए किलो है। सब्जियां इंदौर, नासिक, बेंगलुरु और शाजापुर जैसी जगहों से आ रही हैं। ग्राहक भी सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान हैं। 160 रुपए किलो, हाँ दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और मिर्चा 120 रुपए किलो मिला है। सभी सब्जियां महंगी, हाँ सभी सब्जियां महंगी हो गई बहुत ज़्यादा। ये भैया हमने 3.5 किलो लिया, ये जो है मिला है 100 रुपए किलो, बढ़िया वाला 160 रुपए किलो। हाँ डेली ले आते हैं भैया, क्या करें गरीबों लोग के लिए। सब्जी महंगी तो है ही भैया, क्या किया जाए। बारिश के कारण सब्जी भी लाने ले जाने में 10 से 15 फीसदी तक खराब हो रही है। आमतौर पर 5 फीसदी सब्जी ही खराब होती है। इन दिनों टमाटर 160, कद्दू 40, लौकी 40, भिंडी 60 से 80, तोरी 60, परवल 80, आलू 20, अदरक 250, प्याज 25 से 30, करेला 80, शिमला मिर्च 80, गाजर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कई ग्राहक सिर्फ रेट पूछकर लौट जाते हैं। टमाटर के भाव मत पूछिए भैया, गरीब आदमी खा नहीं पा रहा भाई, समझ लीजिए आप लोग। गरीब आदमी कहाँ दिखाएगा, 100 रुपए किलो टमाटर ये बिक रहा है, 160 रुपए किलो बेंगलोर बिक रहा है। ये तो गरीब आदमी थोड़ा खा रहा है, उसको तो खा भी नहीं पा रहा, खाली रेट पूछ रहा है खाली बस। सब्जी हर चीज महंगी हुई, समझ लीजिए आप लोग बिल्कुल। टमाटर जैसे सब्जियों के तने मुलायम होते हैं, जमीन पर पानी भरने पर ये सड़ जाते हैं। खेतों में पानी भरने से इन्हें तोड़ने में भी परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। रेडी के फल में दिक्कत ये आ रही है कि कस्टमर खरीद नहीं पा रहा है ज्यादा महंगा माल। जो लौकी तुरई का रेट यहाँ पर 50 रुपए किलो हो रहा है, अब हमें बेचनी होगी तो हम 60 रुपए तो बेचेंगे और कस्टमर लेने में दिक्कत कर रहा है। जैसे आप मान लो आपका बैगन है, बैगन 40 रुपए है, और जैसे आपके घुइये हैं, घुइये भी आपके 80 रुपए हैं, टमाटर हैं, टमाटर 120 हैं। देखिए सबकी सब सब्जी सस्ती थी, लेकिन जैसे कि अगर सब्जी को देखा जाए
तो ये लोग जो स्टॉक करके रखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़ जाती हैं। टमाटर इस टाइम बारिश की वजह से सड़ रहा है तो महंगा हुआ पड़ा है, और जैसे आपका और सब्जियां हैं ये भी महंगी हुई भी हैं, बिल्कुल पड़ रहा है सर। लेकिन उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। भले ही सब्जी सड़ रही है लेकिन उसके जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टॉक करके रखते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। दुकानदार भी क्या जवाब देंगे, दुकानदार पहले ही जब महंगी चीज़ ला रहे हैं तो वो तो महंगा थोड़ा अपना फ़ायदा उठा के बेचेंगे ही ना सर। पहले 30-40 को अच्छा टमाटर मिल जाता था, तो अब महंगा हो गया है। अब इस बार महंगा है, थोड़ा बरसात की प्रॉब्लम है, इस वजह से बरसात की प्रॉब्लम की वजह से है। बाकी अमूमन आलू वही रेट है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, आम आदमी या फिर यूं कहें सभी के लिए सब्जियों की महंगाई एक सबब बन रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, खेतों में सब्जियां कहीं ना कहीं जो है सड़ रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। इस तरीके से अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर 200 रुपए किलो पहुंचता है, यानी कि काफी महंगा हो चुका है टमाटर। क्योंकि टमाटर का सड़ने का जहाँ सिलसिला दिखाया जाए तो वही खेतों में कहीं ना कहीं जो है टमाटर न तोड़े जाने से वहां पर भी जो है टमाटर सड़ जा रहे हैं और मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में काफी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो है अदरक की बात करें तो वो भी 200 रुपए किलो हो चुकी है, और इसके साथ ही चाहे हरी सब्जियों की बात करें, चाहे वो भिंडी हो, तरवई हो, बैगन हो, ये सारी सब्जियां जो है कोई 80 रुपए में बिक रही है, कोई जो है 90 रुपए में, कभी कोई 100 रुपए में, इस तरीके की बिकती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बारिश के मौसम में जो है सब्जियां कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं, इसकी वजह से जो है मार्केट में जो सब्जियां आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगी हैं, और लोगों को शायद इसी वजह से जो सब्जियों का स्वाद मिलना चाहिए वो सब्जियों का स्वाद नहीं मिल पा रहा है। और खास तौर पर तो देखा जाए टमाटर, जो टमाटर सब्जियों में डाला जाता है हमेशा हर एक सब्जी में सब्जी ऐसी बात लेकर भी कहीं ना कहीं महंगाई काफी तेज दिखाई दे रही है। लोग बाजार में जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है दाम पूछ कर ही उनको वहां से लौटना पड़ता है और टमाटर नहीं ले पाते। फिलहाल देखने को मिला लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं सब्जियां लगातार सभी महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, बारिश की वजह से सब्जियां महंगी हो रही है। हमारे साथ बने रहिएगा। बुलंदशहर से साजिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, बुलंदशहर में लोगों का क्या रुख है महंगाई को लेकर? देखिए बुलंदशहर की बात अगर मैं महादुरी करूं तो मैं इस वक्त एक सब्जी की दुकान पर ही मौजूद हूं। ये सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं कि यहां खरीदारी करने के लिए लोग खड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से बरसात की वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, खासकर अगर हम टमाटर की बात करें तो जो टमाटर मार्केट में अब से 15 दिन पहले 20 दिन पहले 20 रुपया किलो बिक रहा था वो 120 रुपया किलो तक अब बिक रहा है। ऐसे में चौतरफा मार जो पड़ रही है वो छोटे कारोबारियों पर पड़ रही है। चूंकि इनसे हमारी बात भी हुई है, ये बता रहे हैं कि टमाटर ज्यादा ये अब बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो टमाटर ये लाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और सावन का ये पवित्र महीना है, भले इसमें सब्जी जो हरी सब्जियां हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है लेकिन टमाटर इनका उतना यहाँ से उठ नहीं पा रहा है और बरसात के कारण फिर टमाटर खराब भी हो जाता है। जो लोग खरीदारी कर रहे हैं इनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब्जियों की अगर हम बात करें इनकी कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में स्वाद तो लगभग गायब माने थाली से? कीमतें तो हर वर्ष इस मौसम में बढ़ती थी, मगर इस वर्ष कुछ अधिक बढ़ोतरी हुई है, पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक बढ़ोतरी है। और ये मतलब सब हर वर्ग परेशान है, सब्जी की महंगाई से लेकर हर वर्ग परेशान है। क्या खरीदने आप आए थे? तो हम तो यहाँ से सब्जी टमाटर मिर्च वगैरह आलू लेने आए थे, पर कीमत इतनी अधिक है कि जितना घर में है उससे कम में ही गुजारा करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं हम तो। तो ऐसे में टमाटर चूंकि किसी सब्जी में जब तक शामिल नहीं होता है तब तक स्वाद मानते हैं लगभग कि कम रह जाता है सब्जी का, तो ऐसे में टमाटर अगर नहीं खरीद पाएंगे तो सब्जी का स्वाद ले पाएंगे? नहीं, स्वाद तो नहीं आएगा, बाकी मजबूरी है जी, गुजारा करना पड़ता है और इतनी महंगाई में अपना ज्यादा नहीं तो फिर थोड़ा लेना पड़ता है। तो और भी लोग हैं माधुरी, एक बार बातचीत कर ले रहे हैं, आप क्या खरीदने के लिए यहाँ है? सर मैं टमाटर खरीद रहा था। टमाटर कितने रुपए, किस भाव बिक रहा? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा। कितना टमाटर आपने खरीदा? और पहले जैसे 20 रुपए किलो बिक रहा था तब कितना टमाटर? टमाटर खरीदा जी आधा किलो। तो महंगा लगता है जैसे आधा किलो? बहुत महंगा है जी, बहुत। भैया आप ये बताइए, पहले कितना टमाटर आप बेच पाते थे, अभी कितना टमाटर आप बेच पाते हैं? पहले 2-3 करेट बिक जाता था, अब 1 करेट भी मुश्किल से निकल रही है महंगाई की वजह से। और कौन कौन सी सब्जी, जो सब्जियां हैं आपके यहाँ, कौन कौन सी सब्जियों की कीमत बढ़ी है जरा बताएं? सब्जी भिंडी की कीमत बढ़ गई, तोरी की बढ़ गई, घे की बढ़ गई,
सारी चीजों पर महंगाई है। पहले कितने रुपए किलो था आप, कितने पहले जो घिया बिक रहा था 20 रुपए किलो, अब बिक रहा है वो 30 रुपए किलो। जो पहले तोरी बिक रही थी 20 रुपए किलो, वो बिक रही है 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। खीरा बिक रहा था पहले 20-30 रुपए किलो, अब बिक रहा है 40 रुपए किलो। और भिंडी भी ऐसी बिक रही है, सौदे सारे महंगे हो रहे हैं लेके मिर्चों से, भाई एक नींबू समझ लो मंदा है। सावन का पवित्र महीना है, ऐसे में माना जाता है कि हरी सब्जियों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो लोग आ पा रहे हैं उतना खरीदने के लिए जितना आते थे आम, तो आम सावन में जब आते लोग तो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जैसे कोई 1 किलो 2 किलो खरीदता है ना टमाटर, वो पावर या आधी किलो टमाटर ले लेता है हिम्मत करके। जो पहले 2 किलो लेते थे वो 1 किलो या आधा किलो ऐसे ले जा रहे हैं। तो देखिए सीधे तौर पर माधुरी आप समझ सकते हैं कि जो सब्जियों की कीमत है उनमें 2 गुना इजाफा हुआ है। अगर हम टमाटर को छोड़ दें, टमाटर में 6 गुना इजाफा हुआ है, चूंकि 20 रुपए किलो जो टमाटर बिक रहा था अब वो 120 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि सावन का ये पवित्र महीना है, ऐसे में सब्जियों की डिमांड भले बढ़ जाती है, लेकिन जो गृहिणी है जब वो बाजार आती है तो सीधे तौर पर उनकी जेब पर इसकी कीमत का असर पड़ता है। रसोई जो है वो कहीं ना कहीं सूनी हो गई है, पहले ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी, ऐसे में रसोई चलाना बेहद भारी साबित हो रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजय पिप्पल है। क्या खरीदना है? मैं टमाटर सब्जी खरीदने आया था बाजार में, और तोरे वगैरह सब सामान खरीदा है, अभी लेने आया हूँ। तो लेने का मैंने भाव सुन रहा हूँ यहाँ खड़े होके कि इतने रेट हाई हैं कि हिम्मत ही नहीं हो रही कि कुछ चीज खरीदूं मैं, ऐसा लग रहा है दाल ही खा लूं घर जाके। और बाकी देखता हूँ रेट कुछ सस्ता होगा तो खरीदेंगे, वरना भैया घर चले जाएंगे, स्थिति ऐसी है। समझ पा रहे होंगे माधुरी आपके आम आवाज जो है वो सीधे तौर पर यही है कि महंगाई लगातार पहले ही आसमान छू रही है, ऐसे में जो इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि घर में रखी दाल से वो काम चला ले, लेकिन ये मुनासिब नहीं है क्योंकि सब्जियों के बिना हमारा जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। ऐसे में अब इन सब्जियों की कीमत अगर इस हद तक बढ़ जाएगी तो जो लोग 1 किलो 2 किलो सब्जी खरीदते थे लिहाजा वो आधा किलो 250 ग्राम में अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। लगातार लोगों का यही कहना है कि महंगाई पहले से बढ़ रही है, ऐसे में अगर सब्जियों की कीमत आसमान छुएंगी तो वो कैसे आखिर अपनी रसोई चला पाएंगे। माधुरी बिल्कुल साजिद, लोगों को कब में गुजारा करना पड़ रहा, हमारे साथ बने रहिएगा। हिमांशु दुबे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु देखिए आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन जो सब्जी विक्रेता है उन्हें भी उतनी ही परेशानी हो रही है, क्योंकि जब थोक में सब्जी आती है तो जाहिर सी बात है बारिश होती है और तब तक खराब हो जाती है सब्जियां। जी निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसने न केवल आम जनता की चिंता बढ़ा दी है बल्कि जो सब्जी विक्रेता है उनके लिए भी एक परेशानी का सबक बन गया है। और दूसरी तरफ देखिए इस पर काफी सियासत भी देखने को मिल रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और इसको लेकर हमला भी बोला है कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो आखिर इतने दाम कैसे छूते जा रहे हैं, आसमान छूते हुए दाम है। चाहे बात करें टमाटरों की, प्याज की, ये ऐसी तमाम सब्जियां हैं, नींबू है, अदरक है, हर चीज महंगा होता चला जा रहा है। अब ऐसे में वो सीधा सीधा बीजेपी पर हमलावर हैं। अब इसको लेकर उन्होंने ये भी बोला है कि इसको लेकर बड़े लेवल पे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और दूसरी तरफ जो सब्जी विक्रेता है या फिर बात करें आम जनता की जो जेब है वो बिल्कुल एक समय ढीली होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे बड़ी वजह वो यही है कि जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं 100 रुपए के पार 120-130 रुपए किलो टमाटर हो गया है और इसके अलावा और भी जितनी भी सब्जियां हैं वो भी लगातार महंगी होती जा रही है जिससे आम जनता की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, टमाटर पर सियासत शुरू हो गई, हमारे साथ बने रहेगा। प्रयागराज से सौरभ मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, प्रयागराज में जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है महंगाई को लेकर? के दाम बढ़ गए हैं और इसका सीधा मार आम जनता को दिखाई पड़ रहा है। और देखिए हम इस वक्त खड़े हैं प्रयागराज की सब्जी मंडी में, लेकिन यही ग्राहक जहाँ पर आपको एक भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। दुकान है सब्जी मंडी की और ये काफी बड़ी दुकान है और यहाँ पे जो मंडियां लगती है लगातार, लेकिन देखिए महंगाई की वजह से यहाँ पर आपको एक ग्राहक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीधा जो असर है महंगाई का वो जनता पर दिखाई पड़ता है, पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टमाटर की अगर बात करें टमाटर यहाँ पर लगभग 100 रुपए ऊपर बिक रहा है, अदरक की बात करें अदरक करीब 300 रुपए किलो ऊपर बिक रही है। तो देखिए आम जनता पर इसका सीधा असर महंगाई का दिख रहा है। अभी तक जो है जनता जो टमाटर 1 किलो खरीद रही थी 2 किलो खरीद, अब वो धीरे धीरे जो है 250 ग्राम या 100 ग्राम पे लोग लेने के लिए आ चुके हैं। अभी सौरभ देखिए आम आदमी पे तो फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं पर कितना फर्क पड़ रहा है उनसे बातचीत करके जरा दर्शकों को बताइए। हमारी जो बात थी उसका कहना है कि हमको अगर सब्जी महंगी मिलेगी तो हम सब्जी महंगी बेचेंगे और जो मंडी का जो भाव चल रहा है इस वक्त वहाँ पर मंडी के भाव भी काफी बढ़े हुए हैं क्योंकि लगातार जो है बारिशें अब जो स्टार्ट हो गई हैं और उसके बाद जो लगातार सब्जी का यहाँ भाव प्रयागराज में बढ़ गया है। तो हालांकि जो यहाँ पे सब्जी मंडी जो मंडी में जो बेचते हैं डेटा उनका साफ साफ कहना है कि जो भाव हमको मिलेगा इससे हम उसको बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर बेचेंगे। माधुरी
बिल्कुल दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को परेशानी भी हो रही है। हमारे साथ बने रहिएगा, लालचंद भी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लालचंद देखिए, लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, आम आदमी को परेशानी हो रही है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे में सब्जी विक्रेताओं को भी उतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल इस तरीके से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो निवासी भी हैं और दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, किराए पर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से देखने को मिला कि तमाम, चाहे वह राशन की बात की जाए, तेल हो और तमाम ऐसी चीजें हैं, दाल हो, सभी महंगी चीजें हैं और तमाम छोटी छोटी चीजों पर GST भी लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सब्जियां महंगी हुई हैं, बारिश की वजह से किसानों की फसलें कहीं ना कहीं जो सब्जी की है वो बर्बाद हो रही है, फिर खेत में ही जो है किसानों की सब्जियां सड़ जा रही है, वही जो है जो पौधे हैं वो गिर जा रहे हैं, पानी में डूब जा रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट में सब्जी आनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। बहुत ज्यादा थोक में जिस तरीके से मार्केट में सब्जियां आती थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं कम सब्जियां आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सड़ने का, सब्जियों का सड़ने का सिलसिला वो भी तेजी से दिखाई दे रहा है, जो पानी में भीग कर सब्जियां सड़ जा रही है और यही वजह है कि सब्जियों के दाम लगातार राजधानी लखनऊ में भी तेज पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टमाटर के दाम जिस तरीके से महंगे हैं, हरी सब्जियों की बात करें, अदरक हो, यहाँ तक कि जो मिर्चा 10 से 15 रुपए पौवा मिलता था, आज 35 से 40 रुपए पौवे मिल रहे हैं। इसी तरीके से अदरक जो 30-35 रुपए 25 रुपए पौवे मिलते थे, अब वो जो है 100-150 से ऊपर ज्यादा जो है महंगे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से चाहे तरवई हो, बैगन हो, जो है तमाम ऐसी सब्जियां हैं जो हरी सब्जियों के तौर पर इस समय आती थी, खेतों में पैदा होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सड़ने की वजह से सब्जियां या सब्जियां तोड़ना नहीं तोड़ पाने की वजह से किसानों की सब्जियां जहाँ खेतों में बर्बाद हो रही है, तो वही जो मंडी में सब्जी आ रही है वो इतनी महंगी है कि लोगों को कहीं ना कहीं जो है उसका जो स्वाद मिलना चाहिए था वो स्वाद नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि तमाम लोग कहीं ना कहीं तमाम जो महंगाई से तो जूझ ही रहे थे, लेकिन सब्जियों की जिस तरीके से महंगाई हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग मार्केट में जा रहे हैं, सब्जियां खरीदने जा रहे हैं और वो थोड़ी सी सब्जी लेकर लौट रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, देखिए दामों में तो कमी नहीं आ रही है बल्कि उछाल ही आता जा रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा साजिद भी, बुलंदशहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साजिद देखिए, अभी भी लगातार बारिश हो रही है, सावन का महीना भी शुरू हो गया, ऐसे में 2 महीने तक सावन रहने वाला है, जाहिर सी बात है कि बारिश भी होती रहेगी, तो ये माना जाए कि अभी भी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल, जो हालात है माधुरी उन्हें देखकर तो यही लगता है कि अभी अगले 1-2 महीना लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि आम जन से हम बातचीत करते हैं, उनकी परेशानी समझने की कोशिश करते हैं, तो सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो आमदनी है वो उनकी नहीं बढ़ी है, ऐसे में अगर सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी तो घर चलाना मुश्किल होगा। और जैसे जो टमाटर की कीमत है, टमाटर क्योंकि जायका सब्जियों में देता है, जब तक वो शामिल नहीं होता है सब्जी में तो जायका उसका अधूरा रह जाता है। कहीं ना कहीं टमाटर 120 रुपया किलो बिक रहा है, तो कई लोग ऐसे बाजार में आते हैं जो खरीदारी की उम्मीद लेकर आते हैं, ये उम्मीद भी साफ लेकर आते हैं कि हो सकता है कि अब टमाटर की जो कीमत है वो शायद कम हो जाए। लेकिन 120 रुपया पिछले 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो बुलंदशहर में 120 रुपया किलो टमाटर लगातार बिक रहा है और जो इसके अलावा बाकी सब्जियां हैं उनकी कीमत भी 2 गुना बढ़ गई है। तो लोगों को इस परेशानी से राहत मिलती है तो दिखाई नहीं दे रही है, दूसरा जो लोग यहाँ खरीदारी की उम्मीद लेकर आते हैं या तो वो मुख्तसर सब्जी से अपना काम चलाते हैं, थोड़ी मात्रा में सब्जी लेकर जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं सब्जी मंडी सब्जी खरीदने लेकिन दाल चना बाकी जो सूखी सब्जियां हैं उन सब्जियों को ले जाकर के अपने अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं, अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो सीधे तौर पर अगर सब्जियों की कीमत नहीं बढ़ेगी तो लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने बताया जैसे 60 दिन का ये सावन रहने वाला है, ऐसे में बरसात लगातार बढ़ेगी तो जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो किसान है जब वो मंडी सब्जी नहीं लाएंगे तो जो सब्जी मंडी में आढ़ती होते हैं वो इनकी कीमतों में और बढ़ोतरी वहां दर्ज की जा सकती है, और ऐसे में अगर इनकी कीमत और बढ़ेगी तो बाजार में ये और महंगी होकर बिकने वाली है। ऐसे में मैं एक और आम धारणा की बात अगर मैं माधुरी करूं तो लोग ऐसा मानते हैं कि एक तो बिचौलिया और एक जमाखोर, ये दो जो लोग होते हैं इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं जो कीमत है इन कीमतों में जब उछाल होता है तो लोगों का सीधे तौर पर शक इन्हीं की तरफ जाता है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि जमाखोरी और जो बिचौलियां हैं उन बिचौलियों पर पूरी तरीके से रोक लगे, उन पर लगाम कसी जाए,
लेकिन अभी भी आम लोग यही मानते हैं कि बिचौलियों के कारण और जो जमाखोर हैं उनके कारण भी ये टमाटर की जो कीमत है इसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा होगा। हालांकि जो पेपर जो है तूफान है उसके बाद चूंकि महाराष्ट्र और गुजरात में टमाटर की बड़ी पैदावार होती है और अभी टमाटर दिल्ली एनसीआर में कर्नाटक से लाया जा रहा है तो सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है इसलिए इनकी कीमत महंगी हुई है। लेकिन ये महंगी कीमतों के चलते आम लोगों पर तो इसका असर सीधे तौर पर पड़ ही रहा है। जो सब्जी विक्रेता फुटकर सब्जी विक्रेता उन पर भी असर है और आम जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। ठीक है साजिद हमारे साथ बने रहेगा। सौरभ मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ आपके आसपास सब्जी की दुकानें नजर आ रही हैं, अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका रुख जानने की कोशिश करिए एक बार। आज सुबह से ही प्रयागराज में बारिश हो रही है तो मार्केट काफी देर से लगी, ग्राहक यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं, ग्राहक यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन हम इस सब्जी मंडी में खड़े हैं। ये प्रयागराज की सबसे पुरानी सब्जी मंडी है और एक समय ऐसा यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगी होती थी, लेकिन आज महंगाई की वजह से देखिए यहाँ पर एक भी ग्राहक अभी तक दिख नहीं रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे कोई ग्राहक आए नहीं है कि जिनसे हम बात कर सके माधुरी। लेकिन अगर बात करें सब्जी की तो सब्जी में जो महंगाई का असर दिख रहा है उससे आम जनता लगातार परेशान दिख रही है। बिल्कुल देखिए लोगों को परेशानी तो हो रही है। बरसात बने रहेगा। लखनऊ से लालचंद बरसात लगातार बने हुए हैं। लालचंद देखिए आम आदमी को परेशानी हो रही है लेकिन देखिए किसानों का भी उतना ही नुकसान हो रहा है। दो महीने तक अगर बारिश होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ऐसे में सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठा सकती है? बिल्कुल माधुरी, जिस तरीके से मानसून आ चुका है और लगातार बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के तमाम जो ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है, इसके आसपास के जो गांव है जहां पर सब्जियां पैदा की जाती है तमाम किसान जो है सब्जी मंडी में जो है सब्जियां पैदा करने के बाद बैठते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फसलें अब बर्बाद हो रही है। जो उन्होंने खेती में तैयार किया था वो फसलें कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही, पानी से डूब जा रही है, पानी की वजह से वो जो है सब्जी तोड़ नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सब्जियां तो महंगी हो ही गई हैं लेकिन जो ग्राहक है उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है। लोगों को सब्जियों की जो स्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि जो सब्जी लगाते हैं बाजारों में वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके आ रहे हैं क्योंकि सब्जियां खराब भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दो महीने का सावन है और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है और सरकार की तरफ से इन किसानों को क्या मदद की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से ये घोषणा नहीं की गई है कि जो है बारिश की वजह से जो फसलें सब्जियों की बर्बाद हो रही है या किसानों का नुकसान हो रहा है। और भी कई फसलें हैं जो किसान जो है लगातार जो है तैयार कर रहे हैं तो उनकी फसलों का सरकार जो है मुआवजा देती है या नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम फसलें बर्बाद होने की वजह से सब्जियों में महंगाई जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल लालचंद देखिए जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं ऐसे में बारिश भी हो रही है और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सब्जियों में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रवीण कुमार की गाड़ी तेज रफ्तार कैंटर से टकराई, हादसे में बाल बाल बचे हैं प्रवीण कुमार और उनका बेटा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे का ये पूरा मामला है जहां पर पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें आपको प्रवीण कुमार की गाड़ी तेज रफ्तार कैंटर से टकराई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।